और आइए एक बड़ी और अच्छी खबर आपको देते हैं उत्तरकाशी सुरंग से जो मिल रही है। सुरंग में फंसे हुए मजदूरों का पहला वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में महफूज नजर आ रहे हैं सभी 41 मजदूर। पहला वीडियो जो सामने आया है टनल के अंदर का, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं वो वीडियो आपको दिखाते हैं। अच्छी खबर यह है कि सभी मजदूर वहां पर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, 1, 2, 3, 4 और 4 से लेकर 12 तक देखिए, 1 से 12 तक 12 मजदूरों की तस्वीरें सामने आई है पहली, जिसमें आपको 12 मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है सुरंग के अंदर का जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। 12 मजदूरों की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो महफूज हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें, पहला वीडियो जो अंदर फंसे लोग हैं उनका सामने आया है। और आप देखिए इस वीडियो में जो सभी लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित नजर आ रहे हैं। स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक एक करके साफ समझा है, एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ, एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो, सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें, वॉकी टॉकी सभा 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 और उसे ऑन करके बात करो। सभा जी आप साइड के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें, या बगरू आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। कैमरा कैमरा डालने के लिए बोलो, कैमरा भी ऊपर डालो, बोलो वापस हम खींच रहे हैं। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रखे, रखते हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। उसके बाद पानी छोड़ेंगे इसमें कंप्रेसर, कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे कंप्रेसर से, पीछे हट जाए कंप्रेसर से, आप लोग पीछे हट जाए। तो ये वीडियो भी आपने देखा जो पहला वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है, जिस बात का जिक्र जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उनकी तरफ से भी किया जा रहा था। अब जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां कैमरा पहुंचा, क्या कुछ वहां पर दिखा, देखिए 10वां दिन है मजदूरों का, ये वीडियो सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आज 10वां दिन है क्योंकि 12 नवंबर से वहां लोग फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों का ये पहला वीडियो है, 10वें दिन में मजदूरों का ये वीडियो सामने आया है। सुरंग के एक कोने में खड़े मजदूर दिखाई दिए हैं और सभी जो 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित दिखाई दिए हैं। वॉकी टॉकी उनको दी गई है ताकि मजदूरों से बात की जा सके, उनकी बात को सुना जा सके पाइप के जरिए। सुरंग में कैमरा भी भेजा गया है ताकि जो अंदर की परिस्थितियां हैं उनका पता लगाया जा सके। आपको हमने अभी जो वीडियो दिखाया था उसमें आप देख सकते थे किस तरीके से बाहर से जो है आवाज वो पहुंच रही है मजदूरों तक, और उनको एक वॉकी टॉकी दिया गया है अंदर, कैमरा इंस्टॉल करने की कोशिश ताकि अंदर की परिस्थितियों को समझा जा सके और मजदूरों से बात की जा सके। लगातार खाने पीने ऑक्सीजन जैसी जो चीजें हैं वो उन तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यानी कि कुल मिलाकर अच्छी खबर ये कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। हालांकि ये जो कैमरा का जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए आप देख सकते हैं ये 12 मजदूर साफ एकदम नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत और अंकित इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं इस वीडियो का जिक्र करूंगी, बताया जा रहा है कि 41 मजदूर सुरक्षित है लेकिन वीडियो में 12 मजदूर नजर आ रहे हैं, बाकी मजदूर कहां पर हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है अंदर किसी तरह की? देखिए सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, ये प्रशासन की तरफ से बताया गया है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि टनल में जो काम चल रहा है वो आप तस्वीरें देखिए कि ये टनल है और इसी के अंदर यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर जहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है वो हो रहा है। अब 12 लोग इसीलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन ही सामने आ पाया है इस पूरी रिकॉर्डिंग का, लेकिन इसी तरीके से एक एक करके सभी मजदूरों से बातचीत की गई, उनका चेहरा देखा गया, उसको रिकॉर्ड किया गया और फिर जो उनके परिजन हैं जो यहाँ पर उनको देखना चाहते थे, काफ़ी दिनों से चिंतित थे, उनको दिखाया भी गया ताकि उनको थोड़ी तसल्ली मिल सके। तो सब लोग जब अंदर से बात करके आ रहे हैं, मिल के आ रहे हैं तो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि 10 दिन बाद उन्होंने उनका चेहरा देखा है, कैसी स्थिति में ये समझा है। तो फिलहाल अंदर सभी लोग सुरक्षित हैं, खाना लगातार पहुँच रहा है, अब बड़ी मात्रा में खाना उन तक पहुँच रहा है, वॉकी टॉकी भी है, जो बात वो करना चाहते हैं वो आसानी से हो भी पा रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कि मशीनों का जो सिलसिला है वो लगातार इस टनल में जाता हुआ आपको नज़र आएगा और ड्रिलिंग का जो काम शुरू हुआ है, अब माना ही जा रहा है कि अगर ये सही तरीके से ड्रिल करता रहा तो 24-48 घंटे के भीतर वहां तक एक पैसेज बन जाएगा जहां पर ये सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये कंटिन्यू चलेगी ड्रिलिंग मशीन, तभी हो पाएगा।
और कुछ मलबा गिरा या मशीन खराब हुई तो फिर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो मशीन खराब हो सकती है, लेकिन जो राहत की बात यह है कि जो बातें अभी तक की जा रही थी और जिस तरीके का जिक्र किया जा रहा था कि सभी सुरक्षित हैं, आज वो कैमरों में वो तस्वीरें भी देखने को मिली जो कि राहत भरी तस्वीर है अंकित, कि सभी जो लोग वहां फंसे हुए हैं टनल के अंदर वो सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से आज के दिन की बात की जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जितने भी प्लान बनाए गए, अभी तक कोई कारगर साबित नहीं हुआ है, सभी इंतजाम फेल कहीं ना कहीं अभी तक साबित हुए हैं। आज का दिन कितना अहम माना जाए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से, और प्रशासन का क्या कहना है जो अभी स्थिति बनी हुई है, कितना समय और लग सकता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ तस्वीरें जो बहुत कुछ बोलती हैं, पहले उन तस्वीरों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि दीपक ने तस्वीरें दिखाई थी आपको एक नसीक से, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ थोड़े से दूरी से जो है एक तस्वीरें दिखा करके। सामने ये टनल है जहां पर ये काम चल रहा, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उसी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे, सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वो जगह है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप करना है, और इसी वजह से जो एक पैरेलल रोड थी वो वहां तक पहुंचा दी गई है, और अब वो एक बेस, समतल बेस तैयार किया जा रहा है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप किया जा सके, क्योंकि वही ऑगर मशीन है जो वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी। मनीष, अगर आप इधर से दिखाइए, देखिए वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी और सीधे वर्टिकल वहां से नीचे आएगी इस टनल के अंदर, और इस टनल के अंदर जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आपने बात की है कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, सो आज का दिन 21 नवंबर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नवंबर को जो श्रमिक थे, जो 41 थे, वो इसमें फंसे थे, लेकिन उनकी जो पहली अच्छी झलक आज सुबह करीबन 4 बजे सामने आई है, यानी कि दिन की शुरुआत ही जो हुई है वो एक अच्छी खबर से हुई है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो ये ऑगर मशीन है उनको ऊपर ले जाया जाएगा और वहां से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि सबके बीच में देखिए, नीचे एक आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये पूरी एक पैरेलल रोड बनाई जा रही है जहां से तमाम इक्विपमेंट्स हैं उनको ऊपर ले जाया जाएगा, और इसी वजह से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक और जानकारी देना चाहूंगा कि सुबह करीब 8:30 बजे जब हम जो है रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने एक मशीन दिखाई थी, और अभी हमको यहाँ अधिकारियों से जानकारी मिल रही है संभवतः वो वही ऑगर मशीन थी जिसको यहाँ पर और लाया जा रहा है, तो आज जोर शोर से काम शुरू हो रहा है। और पहले भी 2 बार ऑगर मशीन वहां पर इंस्टॉल हुई है जो कि नाकाफी साबित हुई थी, फेल हो गई थी, अब उम्मीद यही कि इस बार ये ऑपरेशन सफल हो। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे ही घड़ी का काटा 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।